हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर वन नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 1.1 हमने कवर कर ली थी, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हमें रैशनल नंबर हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखे जाए और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन अगर क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रैशनल नंबर नहीं होते। इसका मतलब क्या है? जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जिन नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, जैसे 0.1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये ऐसे आगे कंटिन्यूटी में डिवीज़न इसका हो रहा है, कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रही है डिवीज़न, तो ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमारे दो तरह के होते हैं। अगर हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करें तो एक तो आ जाएगा हमारा जो क्वोशेंट आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी, मतलब अगर हम क्वोशेंट की बात करें तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ स्टेप्स के बाद वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और रैशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन बार बार अपनी डिजिट्स को रिपीट करता रहेगा। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, आगे हम डिवाइड करके देखेंगे नंबर्स को, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन रिपीट होते रहेंगे। इरेशनल नंबर हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, ऐसे नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब हमारी एक फिगर है, रियल नंबर के सेट में हमारे रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इंटर रिलेटेड नहीं होते। अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, और अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं होता। और ये सभी नंबर्स, सारे नंबर सिस्टम, ये तो सिर्फ इरेशनल और रैशनल है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, वो सभी मिलके हमारे रियल नंबर का सेट बनाते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि रैशनल नंबर रियल नंबर होता है या नहीं, तो हाँ होता है। अगर रैशनल नंबर है तो वो रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो क्या वो रियल नंबर होगा या नहीं? होगा। अगर हमसे कोई ये पूछे कि रियल नंबर है तो ज़रूरी है कि वो इरेशनली हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर है तो उसमें इरेशनल की भी पॉसिबिलिटी और रैशनल की भी पॉसिबिलिटी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि रियल नंबर है तो इरेशनली होगा, रियल नंबर है तो रैशनली होगा। रैशनल है तो रियल हो सकता है, लेकिन रियल है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ रैशनल ही होगा। अब हमारी एक्सरसाइज है 2.1, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो भी रीज़न देना है, फॉल्स है तो भी रीज़न देना है। सबसे पहले स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अभी हमने बताया कि अगर इरेशनल नंबर है तो वो रियल नंबर होगा ही होगा, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ये बोला गया है कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे होगा वो इस फॉर्म का होगा, अंडर रूट एम, जहाँ पे एम एक नेचुरल नंबर है। जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो बीच में ज़ीरो आता है, राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर आते हैं। यहाँ पे इसने ये बोला है कि अगर कोई नंबर हम नंबर लाइन पे पॉइंट करते हैं तो वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे एम नेचुरल नंबर है। लेकिन हमने देखा है कि नंबर लाइन पे तो हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। हमसे पूछा गया है कि अगर रियल नंबर है तो वो इरेशनल ही होगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर रियल नंबर है तो वो इरेशनल भी हो सकता है, और अगर रियल नंबर है तो रैशनल भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। आपको ये नोटबुक में नहीं करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। अब सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वेयर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर्स के, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वेयर रूट होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं।
इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर, अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दो जहाँ पे किसी नंबर का स्क्वेयर रूट अगर हम निकाले वो रैशनल नंबर आ जाए। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट गलत है। नो, द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नॉट इरेशनल। स्क्वेयर रूट तो रैशनल नंबर भी आ सकता है। अब रीज़न क्या है, अगर हम बात करें अंडर रूट फोर की, अंडर रूट फोर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी टू आ जाएगी, और टू जो है वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के पर्पज से मैंने कराया है। अब हम समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। पहले हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, अब इन डिवाइड करेंगे डेसिमल लगा के, 0 कैरी ले लिया, 3 आप देख रहे हो बार बार रिमाइंडर जो है वो हमारा 1 आता जाएगा डेसिमल की वजह से, हम 0 हमारा कैरी आता जाएगा, हम फिर से डिवाइड करेंगे तो 9 क्वोशेंट अगेन 3, तो ये 3.3333 ये चलता रहेगा। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, ये है हमारी डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो और डिवीज़न कुछ पॉइंट तक हो और उसके बाद डेसिमल लगा के हमें आगे डिवीज़न करनी पड़े, तो वो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, हमने पढ़ा था रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, बार बार हम जीरो कैरी ले रहे हैं और ये आगे डिवाइड होता जा रहा है, तो सबसे पहले ये होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब ये जो 3 है बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग, वो था द सेम थिंग, तो ये पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है। अब सेकंड है 7 को डिवाइड करना है 8 से, अभी डिवाइड नहीं हो रहा तो पहले ही 0 एंड डेसिमल, अगेन डेसिमल लेंगे, रिमाइंडर 4, अगेन कैरी 0, 40, और ये देखो आपको कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। कम्प्लीटली डिवीजन का मतलब है हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, तो अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिली है, ये देखो 0.875 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये हमारी टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई टर्मिनेटिंग, और देखो रिपीट कुछ नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो गया तो रिपीट कहाँ से होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारा थर्ड पॉइंट है 1 को डिवाइड करना है 7 से, देखो ये डिवीज़न होता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, डिवीज़न होता जा रहा है, और आगे भी हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवीज़न होता ही जाएगा, कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन इसका एक मेन पॉइंट क्या है कि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा लेकिन अपनी जो डिजिट्स है उसको रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है।
अब एक्सरसाइज 1.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें इन नंबर्स को डिवाइड करना है और जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो हमें बताना है वो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं हो रहा है। सबसे पहले ही ज़ीरो डेसिमल तो ज़ीरो आ जाएगी, 360 600 हो गया ये। तो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है ये? टर्मिनेटिंग, कंप्लीट डिवीज़न हो गया तो टर्मिनेटिंग। अब हमारा सेकंड फोर्थ पार्ट, 3 को डिवाइड करना है 13 से, सो 0 ऐसे ही आपको डिवाइड करना आता होगा, डिवीज़न करेंगे आप। अब ये इतना डिवीज़न हमने कर लिया, यहाँ तक आप इजीली कर सकते हो। अब इस पॉइंट पे आके हमने देखा 120 माइनस 117 वापस से आ गया, रिमाइंडर 3। अब डेसिमल की वजह से फिर से हम 0 कैरी लेंगे तो वापस से यहाँ से शुरू हो गया। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो फिर 26, अगेन ये वाला पोर्शन रिपीट होता जाएगा, फिर एक पॉइंट यहाँ तक आएगा अगेन रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन है वो रिपीट होता जा रहा है, टर्मिनेट तो ये हो नहीं रहा बट रिपीट हो रहा है। तो ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 और ये पूरे पे बार लगा हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी एक बार लगाया है इसके ऊपर। इस बार का मतलब क्या है कि इस बार के नीचे जितनी भी डिजिट्स हैं ना वो उसी सेम ऑर्डर में अपने आप को रिपीट कर रही हैं। अगर मैंने 2, 3, 0, 7, 6, 9 के ऊपर बार लगाया है तो आगे भी यही सेम सेट रिपीट होता रहेगा। तो इस बार का मतलब यही कि जितनी भी डिजिट्स के ऊपर ये बार लगा हुआ है वही अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। यहाँ पे 1, 4, 2, 8, 5, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब यही डिजिट्स अपने आप को इसी सेम ऑर्डर में बार बार रिपीट करेंगी। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। हमें पता है 1/7 की वैल्यू ये है 0.142857 बार, बार बार ये रिपीट करेंगे। कैन यू रिपीट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 5/3/7, 4/7, 5/7, 6/7। हमें इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। अब कंडीशन क्या रख दी है, एक्चुअल में लॉन्ग डिवीज़न हमें डिवाइड करना नहीं है। जैसे अभी हमने ये लॉन्ग डिवीज़न किया है वो हमें एक्चुअल में ऐसा करना नहीं है, हमें जस्ट इसकी हेल्प लेके हमें बताना है कि ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। सबसे पहले ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो हम 2/7 को कैसे लिख सकते हैं? 2/7 को लिखा जा सकता है 2 × 1/7। 1/7 की वैल्यू हमें पता है 0.142857 बार। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.285714, ये वाला ब्लॉक रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3/7 का पता करना है। 3/7 को लिख सकते हैं 3 × 1/7। 1/7 की वैल्यू हमें पता है 0.142857 बार। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.428571। अगेन ये रिपीट होगा। ऐसे ही हमें सभी की वैल्यूज निकालनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हमें 0.6 बार को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है। हमने लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ये हमने लेट कर लिया x की वैल्यू 0.6 बार। अब जितने के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाय 10। एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। अब इसको अगर मैं इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6 बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6 बार, क्योंकि 6 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। चाहे मैं 6 इस बार के 6 को इस बार को इस 6 के ऊपर लगाऊं या इस 6 के ऊपर लगाऊं, मतलब तो वही है कि 6 रिपीट होता जाएगा बार बार। तो अगर मैं अब इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 से तो कैसा लिखा जाएगा, 6.6 बार। और हमने ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद बार है, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट के बाद बार मिल जाएगा। अगर मैं ऐसे करूँगी 0.6 बार तो फिर हमें मिलेगा कैसे, बार चाहिए हमें पॉइंट के डेसिमल के बाद, ताकि हम बाद में अगर आगे जो स्टेप करेंगे वो हमारा ईजिली हो जाए। तो जस्ट ये ध्यान रखना है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो पॉइंट के बाद अगर हमें बार है मिल रहा है एक्स में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी पॉइंट के बाद हमें बार मिलना चाहिए। हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 10x-1x 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अब यहाँ पे आ जाएगा 10x-1x 9x, यहाँ पे माइनस करेंगे 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो ये तो जितना भी है वो कंप्लीट के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो देगा 6-0 6, तो यहाँ पे मिल गया 6। अब 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड, तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो हमने एक्स को लेट किया था 0.6 और यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 2/3, जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अभी उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 0.47 बार। यहाँ पे ध्यान देना कि बार जो है वो सिर्फ 7 पे, इसका मतलब सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा। तो लेट कर लेते हैं, जो प्रोसीजर है कोई ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का वो बिल्कुल सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। हमने लेट कर लिया एक्स को 0.47 बार। अब बार है सिर्फ 7 पे, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार दो डिजिट पे होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, बार अगर थ्री डिजिट्स के ऊपर होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई करेंगे ये 10x इधर 4.7। अब सेकंड डिजिट पे बार चाहिए तो 7 बार लिख देंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट करें 10x-1x 4.47 बार माइनस 0.47 बार, या 9x। ये सब्ट्रैक्शन देखो, 4.47 बार माइनस 0.47 बार, 7 बार माइनस 7 बार 0, 4-7-4 3, 4-0 3, तो हमारा आंसर आ गया 4.330, दैट इज इक्वल टू 4.3। अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे ट्रांसपोजिशन की हेल्प से डिवाइड, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 43/90। ये हमारी मिल गई हमें डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी ये जो नंबर दिया हुआ था उसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा, जहाँ पे पी अपॉन क्यू की वैल्यू है 43/90 और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब सिमिलरली थर्ड पार्ट है उस क्वेश्चन का, ये अब देखो बार 3 पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो सेम वही जो भी डिजिट दी हुई है उसको इक्वल टू एक्स लेट करना है। अब 3 पे बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड बाय 1000, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जो सेट है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा, और 001 नहीं लिखते हम, सीधा लिखते हैं 1.11001, ये रिपीट करेगा अपने आप को। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड।
अगेन मैं बताती हूँ ये कैसे किया है, 0.001 बार। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.001001 बार। और जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्टेप्स आगे आ जाएगा, ये 3 स्टेप्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हो डेसिमल 3 स्टेप्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.001 बार। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, थाउजेंड एक्स माइनस एक्स 1.1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9900x आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बार से पूरा बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0, 1 माइनस 0, 1 आ जाएगा। 999 इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर को हमने PYQ के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे P/Q की वैल्यू ये है और Q not equal to 0। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।